हेलो फ्रेंड, मैं एक बार और आ गई आप लोग से मिलने के लिए बहुत दिनों के बाद में। और फ्रेंड, आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आई हूँ। सरप्राइज ये है कि मैं क्लासेस चालू करने वाली हूँ, वो भी जुमैप पे आप लोग को ऑनलाइन सिखाएगी। उस पर आप लोग का फीस रहेगा 500 महीने का फीस रहेगा। और फ्रेंड, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप व्हाट्सअप नंबर से आप बात कर सकते हैं। अगर आपको जुड़ने का है तो इस पर आप बात कर सकते हैं। आप अपना फीस पैड करेंगे, उसके बाद में आप लोग को जुड़ने को मिलेगा। और फ्रेंड, इस पर जो है जूम ऐप पे आप लोग को 20 जून से चालू कर देगी मैं सिखाने को। तो जो भी है सीखने का आप लोग सीख सकते हैं फ्रेंड। और जो भी है ब्लाउज ड्रेस, जितना आइटम ब्लाउज होता है ब्लाउज आप लोग को बताएगी, जितना आइटम ड्रेस होता है जितना डिजाइन का वो बताएगी आप लोग को। मतलब जितना कोर्स है पूरा अपने समझ से पूरी कोशिश करेगी मैं बताने के लिए फ्रेंड। जूम ऐप पर बताएगी, मात्र 500 रुपया लेगी आप लोग से, महीने का 500 रुपया रहेगा। और ऑफलाइन में ज़्यादा पैसा मैं ले रही हूँ, क्योंकि सामने से जो आएगा यहाँ पे घर पे वो अलग बात रहेगा, क्योंकि मेरे को अलग अलग टाइमिंग निकालना पड़ रहा है फ्रेंड। आप लोग को मैं पहले फ्री में सिखा चुकी हूँ, इसके लिए मात्र मैं आप लोग से 500 रुपया ले रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहती हूँ। क्योंकि फ्रेंड आप लोग हमारे परिवार जैसे हैं, मैं ज़्यादा फीस नहीं लेना चाहती हूँ। सूट कटिंग करेगी, दो सूट कटिंग करने का है, जो ये देखिए ये वाला सूट है। तो मैं आप लोग को इसका कटिंग मैं पहले बताई थी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको मैं कैसा बनाई हूँ, आप लोग को बताती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड, मैं गला बनाई हूँ इस तरह इसका, ये देखिए मेरा नहीं है मेरे फ्रेंड। आप लोग देख सकते हैं, उनका ड्रेस रहे या ब्लाउज रहे, बाजू में डिजाइन उनको चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं ऐसा बनाई हूँ, ये देखिए फिरकी वाला बनाई हूँ, झालर वाला। उसी तरह दूसरा भी बाजू बनाई हूँ, देखिए देखिए दूसरा भी बनाई हूँ। और उनके पास ज्यादा करके रेडीमेड है तो माप नहीं था, तो इसके लिए मैं इसी ली हूँ, इसी का माप मैं बनाने वाली हूँ। तो पूरा मेजरमेंट ले लेगी। देखिए फ्रेंड, लाइव से मैं गला बनाई हूँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कहाँ अच्छा लगा। फ्रेंड जूम ऐप पे जो भी मैं सिखा रही हूँ सिलाई क्लास चालू करेगी, तो उसमें फ्रेंड सबसे ज्यादा जरूरी मैं यही सिखाएगी, ड्रेस यानी ब्लाउज, दो चीजें। अगर दो टॉपिक अगर आप लोग को आ रहा है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। और बाकी जो भी होता है, जितना तरह ब्लाउज होता है, जितना तरह ड्रेस होता है, मैं सब उस पे आप लोग को बताएगी। क्योंकि फ्रेंड मैं ऑफलाइन में भी उसी तरह सिखा रही हूँ, और ऑनलाइन में भी आप लोग को उसी तरह जूम ऐप पे सिखाएगी, कि ताकि आप लोग को घर बैठे आप लोग सीख सके अच्छा से ब्लाउज, जितना भी तरीका से ब्लाउज होता है आप लोग कुछ भी जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड मैं पूरी कोशिश करेगी, जितना मैं यूट्यूब पे डाली हूँ उतना आप लोग को कोशिश करेगी सिखाने के लिए, और मैं सिखाएगी ही। सिलाई का पूरा कोर्स रहेगा, जितना सिलाई का होता है, जितना हम लोग लेडीज पहनते हैं पूरा कोर्स मैं कराएगी। जूम ऐप पे रहेगा, जितना भी टाइम लगेगा एक टॉपिक हर दिन मैं सिखाएगी। जो भी अगर कटिंग कर रहे हो तो आप लोग को कटिंग रहेगा, एक एक टॉपिक हर दिन रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड कटिंग करते हैं सूट को। दो सूट का कपड़ा देखिए, दो सूट का कपड़ा है ये देखिए, तो इसको कटिंग करने का है। और चलिए कटिंग करती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं कपड़ा रख लेगी, ये देखिए कपड़ा है, ड्रेस पीस है, देखिए सबसे पहले मैं इसको अच्छे से रख लेगी। एक एक ये देखिए नीचे बॉर्डर है, ऊपर बॉर्डर नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, डबल फोल्ड में रखी हूँ, और इस तरह भी मैं रख ली हूँ, तभी मैं चौथाई फोल्ड में रख देगी। चौथाई फोल्ड में किस तरह रखा जाता आप लोग को ध्यान देने का है, इसी तरह मैं आप लोग को जूमर पे सिखाएगी। ये देखिए इस तरह कपड़ा को पहले डबल में मैं रख ली हूँ, देखिए डबल में इस तरह रख ली हूँ, ये देखिए इस तरह भी पलट देने का है, ये देखिए इस तरह रख देने का। और इसको बाजू निकालने का है, और इसका जो ड्रेस है ड्रेस का निकालने का है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं पूरी लंबाई देख लेगी इसकी, जितना लंबाई है पूरा ले लेने का है, इसमें कटिंग नहीं करके निकालने का। तो देखिए 41.5 पॉइंट है, 41 इंच 5 पॉइंट है, 40 और 1 है। और इसका पूरा मेरे को लंबाई लेने का है। और अभी मैं सबसे पहले शोल्डर देख लेगी, शोल्डर ये देखिए इसका मैं 4 इंच ली हूँ, तो 4 इंच इसमें भी ले लेगी। और सबसे पहले गला बना लेगी, तो गला 2.5 इंच लेगी, गला ज्यादा चौड़ाई नहीं लेने का, कभी भी आप लोग गला बनाने का तो 2.5 इंच का ही लेने का है। और शोल्डर 4 इंच ले सकते हैं, 3.5 इंच भी रख सकते हैं आप। और अभी मैं इसका भी 4 इंच लेगी, कितना गला रखने का आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए मैं 5.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि अपने मन पसंद का आप गला बना सकते हैं। आमहोल में 6 इंच रखेगी, देखिए आमहोल का लंबाई में 6 इंच रखेगी। और अभी मैं छाती देख लेगी, छाती 23 इंच है, तो 23 का मैं आधा कर लेती हूँ। तो आप लोग को मैं बताती हूँ छाती का नाप कैसे लिया जाता है। देखिए आप हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मैं सिलाई क्लास का भी डाली हूँ, और बहुत सारा मैं वीडियो डाली हूँ ड्रेस ब्लाउज पे, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए 23 है,
23 आ रहा है, मैं 23 का आधा कर लेती हूँ। ये देखिए 11 इंच 5 पॉइंट आ रहा है, मैं इसका उतना ही ले रहेगी, जितना आएगा पूरा ले लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, जो कपड़ा बचा हुआ है इसको मैं मार्जिन में ले लेगी। साइड का भी देख लेने का, साइड का लंबाई कितना है ड्रेस का, जो ड्रेस का साइड होता है देखिए, जो दोनों पल्ला होता है हम लोग सिलाई कर लेते हैं, इसका भी लंबाई देख लेने का कितना है। ये देखिए अगर जाड़ा कोई है तो 13 इंच रहता है, 12 इंच रहता है, ज्यादा जाड़े हैं तो 12 इंच रहता है, अगर मीडियम में है तो 14 13.5 इस तरह बना सकते हैं। तो इसका भी ध्यान देने का है। ये देखिए 13 13.5 इंच है, मैं 13.5 इंच पे इसको ले लेगी। ये देखिए फ्रेंड, एक बार और मैं कोशिश करेगी आप लोग को जूम ऐप से सिखाने के लिए, इस पर आप लोग का कुछ फीस है, और मैं कोशिश करेगी आप लोग को ब्लाउज और ड्रेस दोनों, जितना आइटम ब्लाउज है ड्रेस है सब कुछ आ जाना चाहिए। मैं यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 7 इंच के नीचे कमर ले ली हूँ। देखिए फ्रेंड, कमर का चौड़ाई 31 इंच है, 31 का मैं आधा कर लेगी। ये देखिए 21 है, तो 21 का मैं आधा कर लेगी, 21 के आधा पे जितना आएगा मैं उतना ही ले लेगी। ये देखिए मैं हिप का साइज देख लेगी, हिप का जितना चौड़ाई है उतना ले लेगी। हिप का चौड़ाई है फ्रेंड ये देखिए 23 है, 23 आ रहा है, तो 23 का आधा मैं ले लेगी। 23 में 1 पॉइंट कम है, ये देखिए 11.5 आया यहाँ पर आ रहा है, तो इसको भी मैं मिला देगी इस तरह। ये देखिए फ्रेंड, जो भी कपड़ा बचा हो इसको मैं मार्जिन में ले लेगी। ये देखिए इस तरह आपको लंबा पट्टी रखना जरूरी होता है ड्रेस के लिए, सूट के लिए, और जो एक क्रॉस पट्टी होता है वो भी जरूरी होता है, और एक छोटा पट्टी ऐसा, अगर आप ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं तो इस तरह आप लोग को पट्टी रहना जरूरी है, एक क्रॉस पट्टी, एक इस तरह सीधा बड़ा पट्टी, एक इस तरह छोटा पट्टी। ये देखिए जब भी हम लोग ड्रेस कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग मोड़ के जो सिलाई करते हैं उसके लिए इस तरह पट्टी रख देने का खाली। ये देखिए इस तरह एक पट्टी, जितना ये पट्टी है उतना ही आपको कपड़ा निकाल लेने का है। ये देखिए इतना ही चौड़ाई में आपका ड्रेस बनके तैयार हो जाता है। देखिए इतने ही मोड़ के हम लोग को सिलने का रहता है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह मोड़, जो मोड़ के हम लोग सिलते हैं ना साइड का, इस तरह मोड़ के बन जाता है, इतना ही पट्टी में हो जाता है। तो अभी फ्रेंड मैं कटिंग कर लेगी इसको। ये देखिए फ्रेंड, मैं 1 इंची पे यहाँ गोलाई कर देगी गला बनाने के लिए। ये देखिए उसी तरह मैं यहाँ पे देखिए आम होल की इधर भी गोलाई कर लेगी फ्रेंड, लेकिन अभी मैं 1.5 इंची पे करने वाली हूँ। ये देखिए अभी मैं 1.5 इंची पे कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अभी मैं कटिंग कर लेगी। फ्रेंड 20 जून से 12 बजे से 1 बजे तक आप लोग को मैं सिलाई सिखाएगी, रोज़ 1 घंटा सिखाएगी, संडे के दिन छुट्टी रहेगा, और फ्रेंड मैं कोशिश करेगी पूरी कि आप लोग को सिलाई आ जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, अभी कटिंग करके हो गया है, और अभी इसको मैं अलग अलग पार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है आगे साइड का 1/2 इंची कटिंग करना पड़ेगा, और 1/2 इंची जो पीछे साइड है उसको नहीं कटिंग करने का है। ये देखिए मैं गला थोड़ा सा कट कर देगी इस तरह। तो देखिए फ्रेंड, ये आगे साइड है, मैं यहाँ पे 1/2 इंची कम कर लेगी। ये देखिए 1/2 इंची मैं कम कर लेगी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ, तो देखिए फ्रेंड कटिंग करके हो गया है, और गला मैं इसका ज्यादा बड़ा नहीं कटिंग करने वाली हूँ, ये देखिए उतना ही छोटा रखने वाली हूँ गले को, गोल गला बनाएगी, और गले में फिरकी वाला डिजाइन बनाने का है। तो देखिए इस तरह मेरा ड्रेस कटिंग करके हो गया है, मैं बाजू कटिंग कर लेगी। तो देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन है, डिजाइन को यहाँ से कट करके मैं निकाल देगी, निकालने के बाद में लास्ट में ज्वाइन कर देगी। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बाजू कटिंग कर लेती हूँ, इस तरह रख लेगी। ये देखिए चौथाई भाग में मैं रख ली हूँ, ये देखिए इस तरह। ये देखिए फ्रेंड, बाजू इनका जितना लंबाई है मेरे को उतना ही लेने का है। तो देखिए जितना लंबाई है उससे 2 इंची ये बड़ा है,
तो फ्रेंड परफेक्ट बन जाएगा बाजू। तो और इतना मैं कटिंग करके इसको निकाल देगी। तो चलिए फ्रेंड अभी मैं बाजू कटिंग करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड अगर हम लोग को किस तरह बाजू कटिंग करना चाहिए, किस तरह चौड़ाई लेना चाहिए, किस तरह लंबाई लेना चाहिए, तो फ्रेंड आप लोग को मैं बता ये रखे कि लंबाई हम लोग इस तरह लेते हैं। तो चौड़ाई में कैसे लेने का है, देखिए यहाँ पे पकड़ने का जो कंधा रहता है ना, शोल्डर है, आर्म होल है, आर्म होल को इस तरह पट्टी लेने का टेप को, और ऐसा खींच के देखने का कितना आपका कपड़ा है। तो देखिए फ्रेंड 10.5 इंच है, तो 10.5 इंच यहाँ पे ले लेने का आपको, सबसे पहले 10.5 इंच ले लेने का है, ये देखिए इस तरह। और उसके बाद में आप लोग को थोड़ा सा आगे जाके देखिए 2 इंची छोड़ के फिर माप करने का। तो देखिए कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है। तो मैं 9.5 इंच इस तरह यहाँ पे लाइनिंग कर देगी बराबर। और यहाँ पे देखने का आपका बाजू फिटिंग चौड़ाई कितना है, यहाँ पे जो मोहड़ी है तो फिटिंग चौड़ाई जितना है और जितना मार्जिन में है उतना भी आपको माप ले लेने का। तो 7 इंच आ रहा, तो मैं 7 इंच यहाँ पे ले लेंगी। देखिए यहाँ पे मैं 7 इंच ले लेगी इस तरह। अगर आपके पास क्रॉस पट्टी है तो आप क्रॉस पट्टी जैसे जैसे रखेंगे तुरंत आपका बाजू कटिंग करके निकल जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड इसको मैं कटिंग करके साइड कर लेगी, क्योंकि ये बॉर्डर मेरे को चाहिए बाजू में लगाने का है। देखिए इसको साइड कर देगी, और जरूरी मेरे को इसका है, ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह 2 इंची छोड़ के इस तरह लाइनिंग करेगी बाजू का। फ्रेंड जब भी मैं बाजू का माप ली तो मार्जिन जितना कपड़ा था और फिटिंग का दोनों मिला के ली थी, तो जो मिला के ली थी इतना कपड़ा मेरा छूट रहा था, और जब भी मैं फिटिंग कर देगी तो यहाँ पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे आ जा रहा है, फिटिंग करने के बाद में यहाँ पे आ जा रहा है, तो यहाँ से मेरे को लेने का है। देखिए फिटिंग यहाँ से करेगी और जो मार्जिन का कपड़ा यहाँ पे रहेगा। तो अभी मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी सीधा कर लेने का, ये देखिए इस तरह सीधा कर लेने का। तो फ्रेंड देखिए बाजू कटिंग करके हो गया है, ये देखिए बाजू बनके तैयार हो गया है, और इसको भी मैं साइड रख लेगी। तो चलिए फ्रेंड मेरा ड्रेस कटिंग करके हो गया है, मिलते हैं अगले नए वीडियो साथ में।